It's KK Remix. हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं VIP टैग जाऊँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक फुल स्क्रीन वाला यूनिक सा स्टेटस वीडियो क्रिएट करना सीखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने अभी स्टार्टिंग में मेरे स्क्रीन पे इंट्रो में देखा है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी कुछ इस तरह का एक ट्रेंडिंग वाला स्टेटस वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी फ़ोटोज़ को लगाकर क्रिएट करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, और पूरा देखना, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे और तभी इस तरह का स्टेटस आप काफ़ी आसानी से अपने फ़ोन से क्रिएट कर पाओगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए यार वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे कि जब भी मेरी कोई एक नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाने के लिए हमको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है एलाइट मोशन। अगर आप सबके पास ये वाला एप्लीकेशन नहीं है तो ये वाला जो एप्लीकेशन है जो मैं यूज करता हूँ ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। उधर से जाके आप लोग इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए, और जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आप सबको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, उधर से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों इसको डाउनलोड करने के बाद अभी हम लोग अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फिर से ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको ओपन कर लेता हूँ, और उसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की साइड में स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ पे हमको दो लिंक देखने को मिल जाएगा। जो फर्स्ट वाला लिंक रहेगा वो बीट मार्क प्रोजेक्ट के नाम से रहेगा और सेकंड वाला सेक प्रेसर लिंक के नाम से रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बीट मार्क प्रोजेक्ट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे। तो इसको अलाउ कर देते हैं यहाँ से, इसको अलाउ करने के बाद हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, वेरीफाई होने के बाद डायरेक्ट हमारे एलाइट मोशन में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद फिर से ये वेरीफाइंग लिंक करेगा और 100% तक प्रोसेस जाएगा। तो यहाँ पे 100% तक जाने के बाद ये डायरेक्ट आपके एलाइट मोशन में ये वाला प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और आपको आगे दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ स्क्रॉल करके आते हैं तो देख सकते हैं हमारा जो बीट मार्क प्रोजेक्ट है कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएंगे, और यहाँ स्टार्टिंग में आने के बाद हम लोग प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ मीडिया पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग इधर से अपना उस वाले फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे जिस वाले फोल्डर में हमारा सारा मटेरियल रखा हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो को क्रिएट करने में मैं जितना भी मटेरियल यूज करूँगा सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, उधर से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना जितना भी मटेरियल है, उधर से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पर मैं अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद इधर से मैं एक वीडियो को ऐड कर लूँगा जो कि बैक स्क्रीन में रहेगा, इफेक्ट वाला वीडियो कुछ इस तरीके से रहेगा, आप देख सकते हैं। इसको जब आप लोग ऐड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हम लोग आ जाएंगे डायरेक्ट फर्स्ट वाले बीट मार्क पे 11:10 सेकंड पे। यहाँ पे आने के बाद जो वीडियो का एक्स्ट्रा पार्ट है वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कट कर देंगे राइट साइड से। सो इसको कट करने के बाद दोस्तों इधर हम सबको एक ऑप्शन मिल जाएगा इफेक्ट का, इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, और ऐड इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ कलर एंड लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की साइड में हम लोग आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस का। तो यहाँ पे ढूंढ लेंगे हम लोग सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस किधर है, तो थोड़ा सा ऊपर के साइड में देखते हैं कहाँ है कहाँ है सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस, ये रहा, ये देख सकते हैं आप लोग, ये है सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका जो सैचुरेशन है +0 पॉइंट है तो इसको हम लोग बिल्कुल -0 कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से बिल्कुल -100% कर देंगे। इस तरीके से करने के बाद इस यहाँ से हम लोग बैक कर देंगे, और बैक करने के बाद अपने फर्स्ट वाले बीट मार्क पर आ जाएंगे जहाँ से हमारा फर्स्ट वाला बीट मार्क आता है। उसके बाद प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और मीडिया पर क्लिक करेंगे, और हम लोग अपना उस वाले फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा सारा फोटो जाए। तो यहाँ से मैं उस वाले फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें मेरा सारा फोटो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग अपनी फर्स्ट वाली फोटो को इधर से करेंगे ऐड,
और फोटो को ऐड करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले बीट मार्क पे आएंगे और फोटो का यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देंगे। फोटो का एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के बाद फिर से प्लस वाला आइकन पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे और अपनी सेकंड वाली फोटो को इधर से कर लेंगे ऐड। सेकंड वाली फोटो को ऐड करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाले बीट मार्क पे आएंगे और फोटो का जो एक्स्ट्रा पार्ट है इधर से कट कर देंगे। और सेम इसी तरीके से फिर से प्लस वाला आइकन पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे और तीसरी वाली फोटो को ऐड करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फोटो का जो एक्स्ट्रा पार्ट है या नेक्स्ट वाले बीट मार्क पे आके इसका जो फोटो का एक्स्ट्रा पार्ट है हम लोग कट कर देंगे। तो इसको कट करने के बाद दोस्तों सेम इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने तीन फोटोज को ऐड किया, यहाँ पे सारी फोटोज को हमको ऐड कर लेना है। जितना भी बीट मार्क इसमें दिख रहा है सब में हम लोग फोटोज को ऐड कर लेंगे। तो फटाफट से मैं क्या करता हूँ कि फोटोज को ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद आगे दिखाता हूँ कि क्या करना है। अगर मैं एक एक फोटो ऐड करके दिखाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारी फोटोज को एक एक करके ऐड कर लिया है, आप देख सकते हैं। कुछ इसी तरीके से आप लोग भी इन बीट मार्क में फोटोज को ऐड कर लेना। तो यहाँ पे पूरा सारा फोटोज को मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे बिल्कुल स्टार्टिंग में, जहाँ से हमारा फर्स्ट वाला फोटो आना स्टार्ट होता है। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और मीडिया पे क्लिक करेंगे और अपना उस वाले फोल्डर को ओपन करेंगे जिसपे हमारा सारा मटेरियल है। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड के फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। और इसको ओपन करने के बाद अभी हम लोग यहाँ से एक ब्लैक स्क्रीन शैडो वाले इफेक्ट पीएनजी को ऐड करेंगे, जो कि इस तरीके से रहेगा। थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको कर लेंगे फिल स्क्रीन। तो फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करते हैं, उसके बाद कहीं भी ऐसे स्क्रीन में टच करेंगे और वीडियो के बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे। और लास्ट में आने के बाद इसी पीएनजी पर क्लिक करेंगे और सेकंड नंबर पे कारसेट मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये पूरे वीडियो में अप्लाई हो जाएगा। तो इसको पूरे वीडियो में अप्लाई करने के बाद फिर से हम लोग स्टार्टिंग में आएंगे, जहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट होता है, जहाँ से हमारा फर्स्ट वाला फोटो आता है, ठीक है। सो यहाँ पे आने के बाद फिर से हम लोग प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक सोनाली मैम का जो पेंजी है नेम का लोगो है उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कुछ इसको ऐड कर लेता हूँ। इसको ऐड करने के बाद अगर आप लोग इसके साइज़ को छोटा बड़ा करना चाहते हो तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना और इसके साइज़ को थोड़ा बहुत आप लोग छोटा बड़ा कर सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद इसको नीचे में आप लोग यहाँ पर सेट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से इसको अच्छे से लगा लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं इसको इधर सेट कर लेता हूँ। उसके बाद वीडियो के बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे हम लोग। वीडियो के बिल्कुल लास्ट में आने के बाद इसी वाले पीएनजी पे क्लिक करेंगे और सेकंड नंबर पे कारसेट मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये पूरे वीडियो में अप्लाई हो जाएगा। तो इसको पूरा वीडियो में अप्लाई करने के बाद हम लोग फिर से स्टार्टिंग में आएंगे और यहाँ पर स्टार्टिंग में आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद फिर से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ मीडिया पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने फोल्डर से एक बटरफ्लाई वाले पीएनजी को ऐड कर लेंगे, जो कि इस तरीके से रहेगा। उसके बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे क्लिक करेंगे और लाइट एंड पे जाके इसको कर देंगे स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद यहाँ से बैक करेंगे और यहाँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके साइज़ को हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। छोटा करने के बाद फर्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और इसको नीचे में स्क्रॉल करके ले आएंगे और यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा साइज़ को आप लोग और छोटा कर लेना, अपने हिसाब से छोटा कर लेना, जितना आप इसको रखना चाहते हो, जितने पर ये आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसको साइज़ जो इसका साइज़ है आप लोग छोटा करना कि अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। तो मैं इतना छोटा करके यहाँ पे अच्छे से लगा देता हूँ। आपको जहाँ पे अच्छा लगे आप उधर इस बटरफ्लाई वाले पेंसिल को लगा देना, राइट में, लेफ्ट में, कहीं भी, ठीक है। इसको सेट करने के बाद बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे वीडियो के और वीडियो के लास्ट में आने के बाद इसी पीएनजी पे क्लिक करेंगे और सेकंड नंबर पे कारसेट मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये डायरेक्ट पूरा वीडियो में अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोग स्टार्टिंग में आ जाएंगे। सो दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगे स्टार्टिंग में, जहाँ से हमारा वीडियो आना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आने के बाद अभी आपको क्या करना है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाना है। यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में, जहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट होता है, बिल्कुल शुरू में, जीरो पे। जीरो पे आने के बाद प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी हम लोग अपने फोल्डर से एक और पीएनजी को ऐड कर लेंगे, जो कि इमोजी वाला पीएनजी रहेगा इस तरीके से। इसको ऐड करने के बाद इसको आप लोग सही से एडजस्ट कर लेना बिल्कुल बीच में। तो यहाँ पर मैं अच्छे से बिल्कुल बीच में इसको लगा लेता हूँ। इसको बिल्कुल बीच में लगाने के बाद यहाँ फर्स्ट वाले बीट मार्क पर आ जाना है 11.10 सेकेंड तक। यहाँ पर आने के बाद इसी पीएनजी पर क्लिक करना और इस कारसेट पर क्लिक करना, तो ये डायरेक्ट 11.10 सेकंड तक लग से आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको लगाने के बाद फिर से हम लोग स्टार्टिंग में आएंगे और प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और मीडिया पे क्लिक करेंगे और अपने फोल्डर से एक ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट वाले वीडियो को ऐड कर लेंगे, जो कि पार्टिकल वाला इफेक्ट है। तो इस तरीके से रहेगा। इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर आप लोग क्या करना कि इस वीडियो पर फिर से क्लिक करना, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना और इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेना कुछ इस तरीके से। इसके साइज़ को बढ़ाने के बाद बैक करना और यहाँ ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर क्लिक करना और लाइट एंड पर क्लिक करके इसको कर देना स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद अभी वीडियो के बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे हम लोग।
तो यहाँ बिल्कुल लास्ट में आ जाते हैं जहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है, ठीक है। हमारी जहाँ पे लास्ट वाली फ़ोटो आती है यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद इसी वीडियो पे क्लिक करेंगे और वीडियो का जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ से कट कर देंगे कुछ इस तरीके से। वीडियो का एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के बाद अभी इसमें लास्ट काम बचा हुआ है दोस्तों, फोटोज में से एक इफेक्ट को अप्लाई करना। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ से बैक करते हैं और बैक करने के बाद अभी आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक से एक प्रेसेट लिंक दे रखा है, उसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं ये रही सेक प्रेसेट लिंक, इस पर क्लिक करेंगे और ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे तो ये डायरेक्ट लाइट मोशन में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अलाउ करते हैं, सो अलाउ करने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं, वेरीफाइंग लिंक करेगा, उसके बाद इम्पोर्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर से थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे, फिर ये डायरेक्ट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक ही इफेक्ट है जो कि पूरे वीडियो में केवल एक इफेक्ट लगाना है आपको। तो यहाँ से इस फोटो पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ से बैक करेंगे और प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना उसी मेन प्रोजेक्ट को इधर से ओपन करेंगे जिस पर हम लोग अभी एडिटिंग कर रहे थे। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों अभी हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर जहाँ से हमारा फर्स्ट वाला फोटो आना स्टार्ट होता है 11:10 सेकंड पर। और यहाँ पे आने के बाद अभी हम लोग अपना फर्स्ट वाला फ़ोटो को इधर से सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। और ऐसे ही अपनी सेकंड वाली फ़ोटो को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। सो ऐसे करने के बाद अपनी तीसरी वाली फ़ोटो को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। और सेम इसी तरीके से जितना भी फोटो है दोस्तों, एक एक करके आपको फोटोज को ऐसे सेलेक्ट करना है, इफेक्ट पे जाना है, थ्री डॉट पे जाना है, पेस्ट कर देना है। जितना भी फोटो दिख रहा है दोस्तों इसमें सब में आपको इसी वाले इफेक्ट को अप्लाई कर देना है। तो इसी तरीके से आप लोग अप्लाई कर लेना, जितना भी फोटो है आपको फोटो को सेलेक्ट करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है और पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर जितना भी फोटो आपको दिख रहा है सब में आपको इस वाले इफेक्ट को लगा लेना है। तो यहाँ पर आपको मैं एक लास्ट वाली फ़ोटो में लगा के दिखा देता हूँ, फोटो को ऐसे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, थ्री डॉट पे जाना है और पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों इसको इफेक्ट को सारे फोटो में अप्लाई करने के बाद हमारा जो स्टेटस है वो कम्प्लीटली बन के रेडी हो जाएगा। तो इस वीडियो को अपनी गैलरी में सेव करने के लिए अभी आपको इधर राइट साइड में ऊपर की तरफ कॉर्नर में एक एरो का आइकन मिल जाएगा तीर का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसका जो एक्सपोर्ट रेजुलेशन है अपने हिसाब से आप लोग सेलेक्ट कर लेना किस क्वालिटी में आप लोग वीडियो को सेव करना चाहते हो। तो यहाँ पर एक क्वालिटी में सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ इसका जो फ्रेम रेट है फुल कर देंगे और सबसे नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट का, इस पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, ये प्रोसेस लेता है 0 से 100% तक। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जो कि एक रहेगा सेव करने का और एक रहेगा शेयर करने का। तो यहाँ सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग सेव कर लेंगे इस वीडियो को अपनी गैलरी में। और दोस्तों अगर आप लोग यहीं से डायरेक्ट किसी अपने फ्रेंड को या फिर सोशल मीडिया ऐप्स पर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कहीं भी आप लोग यहाँ से डायरेक्ट शेयर करना चाहते हो तो इस शेयर वाले बटन पर क्लिक करके आप लोग यहाँ से शेयर कर सकते हो, ठीक है। आई होप दोस्तों की वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप सबको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आप सबको कैसा लगा है। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे कि जब भी मेरी कोई एक नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं यार एक और अपनी इसी तरह के एक नई और ट्रेंडिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।